झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों से बारिश हो रही है। इससे जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा रांची शहर पानी पानी हो चुका है। इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा पर उन्होंने कटाक्ष किया। कहा रांची में भाजपा के विधायक और नगर निगम में भी पूर्व में भाजपा के लोग रह चुके हैं, लेकिन हालात दयनीय है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसका नजारा बारिश के दिनों में देखने को मिल रहा है। सड़कों पे पानी इस बारिश में आया, ये सही है, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि इस शहर के विधायक हैं सीपी सिंह जी, और वो नगर विकास मंत्री भी थे, और उन्होंने सीवरेज ड्रेन सिस्टम 120 करोड़ की लागत से करवाया था, और उसका परिणाम अंतोगत्व क्या निकला, 120 करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई उनके तिजोरी में चली गई। वर्तमान सरकार पर फोड़ने का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्रकृति के ऊपर कोई नहीं होता। आज के दिन जिस तरह की बारिश हो रही है और रांची जिस तरह से बढ़ा है, रांची ऐसा शहर नहीं है जिसको प्लान्ड वे में बनाया गया, अनप्लान्ड वे में रांची बढ़ा है। कई ऐसे क्षेत्र जहां जल जमाव रहता था वहां घर बना दिए गए। पैसे अपने आप आते हैं और उससे कोई योजना बन जाती है। हम लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ, महावीर नगर वार्ड नंबर 8-7 में अवस्थित है, जहाँ एक मोटरसाइकिल चालक हजारीबाग का बह गया, उसके बॉडी भी नहीं मिले। उस समय रांची नगर निगम के चीफ इंजीनियर के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपए का एक नाले का निर्माण, पुल का निर्माण का DPR हम लोगों ने सरकार के पास भेजा, लेकिन सरकार अनसुनी करती हुई 5 वर्ष बिता दी, लेकिन वो योजना को स्वीकृत करके पैसा भेजने का काम नहीं की। यही योजना नहीं, नाला रोड में नालियों को व्यवस्थित करने का जो डिमांड पिछले 15 वर्षों से हम लगातार, चाहे किसी की भी सरकार रहे, करते आ रहे हैं।